ये देखिए गाइस, हमारी एकदम टेस्टी यम्मी क्रिस्पी, एकदम टेस्टी यम्मी, जो कि बच्चों के मन को भाए। और सब सभी जो माए हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, या बड़े लोग हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं, उनको नाश्ता फटाफट चाहिए होता है, उनके लिए एकदम टेस्टी यम्मी, एकदम डिलीशियस नाश्ता हमारा। तो आज की ये रेसिपी, चलिए देखते हैं कैसे बनी है ये एकदम टेस्टी सी यम्मी सी टिक्किया। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज देखिए हम बनाने जा रहे हैं यम्मी से नाश्ता, क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उन माओं के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत का काम ये होता है कि सुबह सुबह नाश्ता में क्या बनाएं, और बच्चे क्या मन से खाएं, और जो जल्दी बन जाए, हेल्दी भी हो, जल्दी बन जाए और बच्चों को पसंद भी आए। क्योंकि इस समय सुबह का टाइम बहुत ज्यादा टाइम भागता है, खासतौर से बच्चों के लिए। तो चलिए देखिए, ये जो उस दिन हमने ब्रेड की जो स्लाइस की हमने वो बनाई थी पेस्ट्रीज, उन्हीं के जो साइड का निकला था ये चूरा, वही ये चूरा है ब्रेड का। तो चलिए इसको हल्के हाथों से ऐसे करके तोड़ लेते हैं, ठीक है, महीन कर लेते हैं पार्टों में, और फिर से बनाते हैं टेस्टी सा नाश्ता जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, और आप आराम से बना भी सकते हैं सुबह के टाइम बहुत जल्दी। बस रात में सारी तैयारियां करके रखते हैं और सुबह दे दें बच्चों को। ये देखिए, ये हमारा चूरा बन चुका है, तो इसको साइड में रखेंगे। और ये देख लीजिए, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनाकर सामान तैयार करेंगे। ये हमारा आलू बॉयल हुआ, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, आप चाहें तो आप तोड़ भी सकते हैं। हरा धनिया, तो इसको हम इसमें डाल देंगे अपने हिसाब से, जो सामान डालते जाए आप बस वही डालते जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कटा हुआ हरा मिर्च, और ये कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, ये देख सकते हैं गाइस, स्वाद के अनुसार नमक, ये हमने कड़वा नमक लिया हुआ है, मसाला नमक, जो कि हमने अपने वीडियो पर डाल रखा है, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये मसाला नमक नहीं है, आपके पास नहीं डाल सकते, तो आप एक काम करें, धनिया मिर्च और काली मिर्च वगैरह ये सारे पाउडर डाल दें। देखिए क्रश किया हुआ इसमें ब्रेड का चूरा, सारा कुछ हम इसमें डाल देंगे और इसको स्पून से मिला लेंगे। गाइस, स्पून से मिलाने में टाइम लगेगा, तो हम हाथों से इसको मैश करेंगे, जैसे कि ये जो ब्रेड के बड़े टुकड़े हैं इनको भी हम तोड़ते जाएं। और गाइस, ये एकदम से शाम को ही आप ये बना के रख लें, इससे इतना टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होगा, बच्चे बड़े प्रेम से खाएंगे, और उसमें कोई भी चीज कच्चा नहीं है, तो पकाने को भी झंझट नहीं है। ये हम इंस्टेंट बनने वाला नाश्ता बना रहे हैं, आप चाहे तो इसमें कई प्रकार की वेजीज डाल सकते हैं, जैसे गाजर है, बंद गोभी है, महीन चॉप कर लें बंद गोभी, गाजर और मटर, इन सब चीजों को भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से बनेगा। तो इनको भी हम बताएंगे कहीं पर, लेकिन तब तक हम ये एकदम, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है सुबह के टाइम सबको नाश्ता लेना, खाना बनाना, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको हम एकदम मैश करेंगे अच्छे से, फिर देखिए कि क्या करते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा बैटर बनकर तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके पास ब्रेड का चूरा नहीं है, तो आप चावल का आटा मिला सकते हैं, सूजी मिला सकते हैं गाइस, और अगर वो कुछ भी नहीं है तो आप मिला सकते हैं अरारोट। ये देखिए, थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया है अपने हाथों पर, अब इनकी हम बनाएंगे छोटे छोटे टिक्कियां। आप चाहें तो इनको इसी तरह से बॉल्स बना सकते हैं, बॉल बनाकर डीप फ्राई कर सकते हैं, हम टिक्कियां बनाएंगे क्योंकि हम सैलो फ्राई करेंगे इनको। ये देखिए, इस तरह से छोटी छोटी अच्छे से शेप देते हुए, ये देखिए बना बना के ऐसे हम रखते जाएंगे और इनको करेंगे सैलो फ्राई। ये गाइस 5 मिनट का नाश्ता है, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बनेगा, और आप इसको सैलो फ्राई या डीप फ्राई जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो डाला हुआ है ब्रेड का चूरा, तो उससे क्या होगा, ये हमारी टिक्कियां फटेंगी भी नहीं। और आप अगर सूजी डालते हैं उसमें हो सकता है थोड़ा सा फटने का चांस रहे, मगर ये बिल्कुल नहीं फट सकती है। तो ये देखिए, अपने हिसाब से बना लेंगे, तो इसी तरह से सारे बना लें, फिर मिलते हैं। गाइस, वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में फ्राई करते समय एक ऐसी टिप देंगे जिससे कि आपके डीप फ्राई करने में बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये हमारी सारी लगभग बन गई है, लास्ट बॉल है। ये देख सकते हैं गाइस, हमारी सारी टिक्कियां तैयार है, तो चलिए इनको चलते हैं फ्राई करने के लिए करते हैं। गाइस, अब इस समय हम टिप देंगे,
टिप ये है कि अगर आप सेलो फ्राई करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। अगर आप डीप फ्राई करते हैं, जैसे ये एजेस दिख रहा है इसमें, जो ये फटाफटा सा दिख रहा है, ये नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन और स्मूथ बॉल्स टिक्की होनी चाहिए, जैसे कि ये हमारी फटे नहीं। तो चलिए फ्राई करते हैं इसको। ये देखिए गाइस, हमने लिया अपनी कढ़ाई और इसमें हमने डाला थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हमें सैलो फ्राई करना है, तो बस इतना ऑयल डालना है कि एक बार टिक्कियां रख जाए अच्छे से। तो इसको हम क्या करेंगे, पूरी कढ़ाई में फैला लेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, हम ज्यादातर मस्टर्ड ऑयल ही खाते हैं, ठीक है। तो इसको हमने फैला लिया है सारी तरफ से और इसे अच्छे से होने देंगे, मतलब धुआं निकलने देंगे, क्योंकि अगर धुआं नहीं निकला तो इसमें थोड़ी सी एक झाग होती है वो हमें लगेगी कच्चेपन की, इसमें लाएगी। तो ये देखिए, ये हमारा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके टिक्कियां अपनी ऐड करेंगे इस तरह से। तो सारी की सारी टिक्कियां अपनी ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि सारी आ जाएंगी हमारी इस वजह से। अब इनको हम पकने देंगे, बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, इसी तरह से पकने देंगे। जब नीचे से क्रिस्पी हो जाएंगी तब हम ऊपर करेंगे। ये देखिएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, हल्के हाथों से छुटा लेंगे। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, छुट जाएगा सारा। ये देखिए, इस तरह से टिक्कियां हम अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। ये देखिएगा, अगर आप कच्ची छुटा देंगे, ठीक है, जिसमें कि पक ना पाया हो नीचे से, तो ये छुटेगी नहीं। ये देखिए, आराम से छुट गई है अच्छे से। जब पक जाएगी ना तो आराम से छुट जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा नीचे नीचे ऑयल और डाल दीजिए, वरना ऐसे ही आप कर लीजिए फ्राई, ठीक है। और देखिए गाइस, इसमें थोड़ी सी जगह बना के हम हरी मिर्च भी डाल देंगे, जो कि बड़े लोग खाएंगे, अगर कोई जिनको हरी मिर्च जरूरत पड़ेगी तो वो हरी मिर्च भी फ्राई हो जाएगी तो वो खा लेंगे, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं, देखिए आप लोगों ने देखा होगा, जब हमने इसका मसाला बनाया, बिल्कुल तीखा नहीं बनाया है, बच्चों के हिसाब से बनाया है, और बड़े लोग खाएंगे तो उनको हम मिर्च सर्व कर देंगे, तो इसी वजह से, ठीक है। तो इसको फ्राई करते फिर मिलते हैं आते हैं। देख सकते हो, उलटते पलटते हम क्या करना है, हमको क्रिस्पी बिल्कुल ब्राउन होने तक भूनना है, जैसे कि हमारी ये दिख रही होगी आपको, तो इसी तरह से हमें भून लेना है सारी। ये देखिएगा, इस हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है, तो अब इनको हम सर्व करेंगे। तो चलिए सर्व करते हैं। ये देखिएगा, इस हमारी टिक्कियां बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी, पता है बच्चे तो देखते ही इनको ना एकदम चट करने वाले हैं, इतनी टेस्टी टिक्कियां हैं। ये देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं, वो उनको बहुत ये टिक्कियां पसंद आती हैं, और आप इनको चाट की तरह भी सर्व कर सकते हैं क्रिस्पी, और आप इनको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो सब लोग चाय के साथ ही ऐसे ही खाते हैं, उनको ऐसे ही पसंद है, चाय है, म्यूनीज है, इनके सबके साथ में। और ये देखिए, तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज की हमारी ये रेसिपी प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें गाइस, छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाएं और वो बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे देखकर ये नाश्ता। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं ये नाश्ता हमारा कैसा लगा, एकदम से फटाफट इंस्टेंट किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।